Hey my beautiful people, welcome to my channel and I hope you all are doing great. I am Kanchanra, certified fitness trainer and nutritionist as well as I'm doing masters in dietetics and food and nutrition management. Guys, आज का वीडियो आप लोग की बहुत बहुत हेल्प करने वाला है क्योंकि majority of the people, population उसकी यही दिक्कत होती है और जिसकी दिक्कत की वजह से बहुत सारी परेशानियाँ बहुत सारी बीमारियाँ हो जाती है कि इंसान को. तो टाइटल देख के आप समझ चुके होंगे कि आज का जो भी वीडियो है वो हमारे डाइजेशन हमारे मेटाबोलिज्म को बूस्टअप करने के लिए है. चाहे आप टीनेजर्स हो या फिर आप कोई एडल्ट हो या फिर बहुत ही ओल्ड एज पर्सन हो, हर किसी को ये दिक्कत हो जाती है. सबसे पहली चीज़ मेटाबोलिज्म फास्ट ना होना, इट मीन्स कि हमारा वेट गेन हो जाना. हमारा डाइजेशन सही ना होना, इट मीन्स कि हमारा वेट गेन हो जाना एज वेल एज हमें बहुत सारी बीमारियाँ लगना, जैसे कि पाइल्स होना, कॉन्स्टिपेशन होना, एसिडिटी होना, गैस होना एंड हार्ट बर्न होना एंड खट्टे डकार आना. जब हमारा डाइजेशन सही नहीं होता है, जब हमारा मेटाबॉलिज्म फास्ट नहीं होता है, तो हमें ये दिक्कतें होती हैं और हमें जितनी भी बीमारियाँ होती हैं वो मेजॉरिटी हमारे पेट की वजह से होती है. ये आपने सुना होगा, पेट सफा हर रोग दफा. तो वही चीज़ अप्लाई होती है कि आज आपको अपने पेट यानी कि अपने डाइजेशन को इम्प्रूव करना है, अपने मेटाबॉलिज्म को बूस्ट अप करना है. तो उसके लिए मैं आज आपको एक ड्रिंक बताने जा रही हूँ जो कि आपके डाइजेशन को आपके मेटाबॉलिज्म को इनटू टू टाइम्स बूस्ट अप कर देगी. और आप कुछ भी खाओगे, चाहे आप हैवी खा रहे हो, ओवर ईट भी कर रहे हो, आपको बहुत लाइट फील होने वाला है. इसकी गारंटी मैं ले रही हूँ कि अगर आप उनमें से हो जो बहुत जंक खाते हो, उनमें से हो जो ओवर ईटिंग कर लेता है, स्पाइसी फूड खाता है, जिनको बीमारी हो रखी है जैसे कि डाइजेशन ढंग से नहीं होती है, पाइल्स हो गए हैं जिसके कारण कॉन्स्टिपेशन होती हैं एंड पाइल्स वगैरह की दिक्कत है, तो आपको आज का ये वीडियो पूरी तरह से देखना है और इसको एज इट इज़ फॉलो कर लेना है एंड आप ये दिक्कत बहुत बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगी. आपके भी आस पड़ोस में कोई ऐसा इंसान तो होगा या फिर आपके फ्रेंड सर्कल में जो आपसे डबल खाता होगा और फिर भी वो स्लिम ट्रिम एकदम हड्डी जैसा होगा. मेरे तो फ्रेंड सर्कल में कई लोग थे जिनसे डबल खाते थे, ट्रिपल खाते थे, फिर भी वो हड्डी जैसे रहते, मतलब उनके स्किन में कुछ भी फैट का 0% भी नहीं था फैट, मतलब इतना ज़्यादा उनका मेटाबॉलिज्म फास्ट रहता है. जो भी वो लोग खाते हैं वो बहुत जल्दी उनकी बॉडी से फ्लश आउट हो जाता है. उनका मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, बहुत ज़्यादा बूस्टअप रहता है, जिसकी वजह से उनके बॉडी में फैट एक्यूमुलेट नहीं होता है. बहुत जल्दी जो वो खाते हैं वो जल्दी से डाइजेस्ट हो जाता है. अगर आपका डाइजेशन सही रहेगा, इट मीन्स अगर आपका मेटाबॉलिज्म सही रहेगा, जिससे कि आपका वेट कभी भी नहीं बढ़ेगा, आपको कोई भी बीमारी नहीं लगेगी, कोई भी हार्मोनल इशूज़ नहीं होंगे, तो बेसिकली आज के वीडियो में आप लोग को बहुत ही ईजी सा सिंपल सा घर में प्रेजेंट ही दो ऐसी चीज़ बता दूंगी जो कि आप लोग को बहुत हद तक मदद करने वाली है आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने के लिए. मेरे क्लाइंट्स में जितने भी लोग आते हैं उनमें से हाफ ऑफ द पीपल ये क्वेश्चन तो जरूर पूछते हैं कि दी मैंने बहुत सारी डाइट पहले से कर रखी है एंड उससे कुछ भी फायदा नहीं हुआ है, बस आप मुझे ये बता दीजिए कि मेरा मेटाबॉलिज्म कैसे फास्ट होगा, क्योंकि अब मेटाबॉलिज्म ही बढ़ाना इज द ओनली सॉल्यूशन टू लूज वेट. तो मैं उनको यही ड्रिंक देती हूँ कि आप अपने मेटाबॉलिज्म को इसके थ्रू बढ़ा सकते हैं. तो आई थॉट कि आप लोग जो मुझे यहाँ पे मेरे से इतना कनेक्टेड रहते हैं उनको ही मुझे ये ड्रिंक ज़रूर से बतानी चाहिए जिनको ये फ़ायदा करे और आप लोग को ही पता चले कि मेटाबॉलिज्म कैसे बूस्ट किया जाता है. अगर आपका मेटाबॉलिज्म किसी कारण से स्लो हो चुका है, मेटाबॉलिज्म के स्लो होने के काफ़ी सारे रीज़न होते हैं. अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग करते हो, अगर आप जंक फूड खाते हो, अगर आप स्पाइसी खाते हो, बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं करते हो डाइट पे, अपने BMR आप चेक नहीं कर रहे हो कितना है और आप अपनी कैलोरीज काउंट नहीं कर रहे हो, आप कुछ भी उल्टा सीधा कैलोरीज ले रहे हो, अपने बॉडी को जो रिक्वायर्ड है उतनी कैलोरीज नहीं दे रहे हो, तो आपकी मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाती है और इतनी ज़्यादा गड़बड़ हो जाती है कि आप वेट लॉस प्लेटो सिचुएशन में आ जाते हैं. तो बस आज का वीडियो बहुत सारे वैरायटीज़ ऑफ कंटेंट को लेके है, क्योंकि अगर आप वेट लॉस प्लेटो सिचुएशन में हो, अगर आपका मेटाबॉलिज्म स्लो है, अगर आपका डाइजेशन नहीं ठीक रहता है, अगर आपको एसिडिटी के इश्यूज़ होते हैं, अगर आपको भी पाइल्स कॉन्स्टिपेशन की इश्यूज़ हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, आपके वेट लॉस के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है. प्लस इस वीडियो में जो इंग्रेडिएंट है वो आपके घर में ही प्रेजेंट होंगे और बहुत ही ज़्यादा इजी से ही होंगे, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है. तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, मैं आप लोगों को बताती हूँ वो कौन से दो इंग्रेडिएंट है जिसको मिक्स करके आपको वो ड्रिंक प्रिपेयर करना है जिससे कि आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट हो जाएगा. इस ड्रिंक को बनाने के लिए हमें जो दो इंग्रेडिएंट चाहिए, पहला है 1 टेबलस्पून अजवाइन एंड दूसरा है 1 टेबलस्पून ऑफ मेथी सीड, दैट इज़ फेनिग्रिक सीड. नाउ पैन में हम 1.5
वाटर, 1.5 ग्लास वाटर को चढ़ा देंगे। उसी में हम मिक्स करेंगे 1 टेबलस्पून अजवाइन एंड 1 टेबलस्पून ऑफ फेनुग्रीक सीड्स को, और उसको हम थोड़ी देर के लिए कवर करके रख देंगे और बॉईल होने के लिए छोड़ देंगे। इसको हम कवर कर देंगे ताकि अच्छी तरह से इंग्रेडिएंट के गुण जो भी हैं, प्रॉपर्टीज़ है, वो इस पानी में आए। और आप देख सकते हैं कि 10 से 15 मिनट्स के बाद वो पूरी तरह से बॉईल हो जाएगा एंड हमारा ये ड्रिंक रेडी हो जाएगा कि हम फ्लेम को ऑफ़ कर दें। पूरी अच्छी तरह से खोल चुका है तो अब मैं फ्लेम को ऑफ़ कर रही हूँ एंड यू कैन सी ड्रिंक का कलर पूरी तरह से येल्लो होके अब ये रेडी हो चुका है। ड्रिंक अभी स्टेन कर लेंगे आप, और जो इंग्रेडिएंट बच गए हैं उसको आप फेंकेंगे नहीं, क्योंकि आपको दूसरी बार जब बनाएंगे तब भी आप उसी को यूज़ करेंगे और हमारा ड्रिंक रेडी हो गया है। ओके गाइस, सो एज यू हैव सीन दैट दिस इज़ द ड्रिंक जो कि एकदम येलो कलर का है, देखने में तो बहुत ही ज़्यादा मस्त लग रहा है एंड टेस्ट, ट्रस्ट मी गाइस, इसका टेस्ट कुछ भी नहीं, एकदम फीका है, आपको कुछ नहीं टेस्ट आएगा, आपको कुछ कड़वा नहीं लगने वाला है, तो आप इसको आराम से ले सकते हो। सबसे पहली बात तो ये ड्रिंक बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए। क्यों, इसके इंग्रेडिएंट क्या है, इसके इंग्रेडिएंट दो हैं। पहला अजवाइन, अजवाइन के बारे में मैं क्या बताऊँ आपको, आपके घर में आपकी मम्मी ही आपको अजवाइन के बारे में बता देंगी, क्योंकि मेरी तो जब बचपन में जब मैं छोटी थी मुझे पता नहीं था अजवाइन कोई चीज़ भी होती है जिससे गैस एसिडिटी वगैरह ठीक होते हैं। जब भी मुझे बचपन में ओवर ईटिंग के बाद एसिडिटी वगैरह हुई है, स्टमक पेन हुआ है, तो मेरी मम्मी ने बस एकदम से अजवाइन एक चम्मच लाती थी, उसमें काला नमक डाल के मुझे खिला देती थी एंड उसके बाद मेरा एकदम इंस्टेंटली एसिडिटी, गैस से रिलीफ हो जाता, स्टमक पेन रिलीफ हो जाता था। तो वो चीज़ मैं कभी नहीं भूल सकती कि वो बहुत ज़्यादा रामबन इलाज की तरह काम करता है हमारे गैस को रिलीफ करने में एंड हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करने में। तो इसमें एक चम्मच अजवाइन है जो कि आपके गैस एसिडिटी डाइजेशन को इम्प्रूव करेगा, एसिडिटी को रिमूव आउट कर देगा। दूसरी यहाँ पे जो चीज़ है वो है मेथी दाना, ठीक है, मेथी सीड, दैट इज़ फेनुग्रीक सीड। फेनुग्रीक सीड्स के बहुत सारे फायदे होते हैं। फेनुग्रीक सीड सबसे पहले फाइबर एंड एंटीऑक्सीडेंट से रिच होता है एंड फेनुग्रीक सीड की होती है लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टी, जिसकी वजह से जब हम उसको लेते हैं तो हमारे इंटेस्टाइन एंड स्टमक के एरिया को, लाइनिंग को वो क्या करता है, सूदन अप करता है, एकदम सूदनिंग सॉफ्ट इफेक्ट देता है, जिससे हम जो भी खाते हैं वो बहुत ईजिली हमारी बॉडी से फ्लश आउट हो जाता है, हमारे बॉडी में कोई भी टॉक्सिन्स रहने नहीं देता है, हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स रिलीज आउट करवा के हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है मेथी के दाने, एज वेल एज हमारे डाइजेशन को बहुत बहुत सपोर्ट करता है। किसी को भी अगर कॉन्स्टिपेशन के इश्यूज़ हैं, पाइल्स की इशूज़ हैं, अगर हार्ट बर्न्स होते हैं, खाना कुछ भी खाया पचता नहीं, आपको 10 घंटे वॉक करना पड़ता है एंड देन उसके बाद ही आपका खाना पचेगा, उसके बाद ही आप बैठ सकोगे कहीं पे, नहीं तो खाना खाने के बाद आप लेट बस मन करता है बस पड़ जाए बिस्तर पे एंड कुछ ना करें। एज वेल एज मेथी दाना उनके लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है जिनको पीरियड्स टाइम पे नहीं आते हैं, जिनको इरेगुलर पीरियड्स होते हैं, लाइक PCOD पेशेंट्स वगैरह, सबके लिए ये मेथी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। टाइम पे पीरियड्स आ जाते हैं, मतलब इवन मेरी खुद की फ्रेंड जिसको काफ़ी टाइम से पीरियड्स नहीं आ रहा था, मैंने उसे रिकमेंड किया कि मेथी को भिगाओ एंड देन उसके बाद खाओ, उसके बाद उसका 2 दिन में ही उसका पीरियड जो 1 महीने से नहीं आ रहा था वो 2 दिन के अंदर अंदर आ गया। सो गाइज, ये 2-3 महीने से अगर आपका पीरियड्स रुका है तो भी उससे भी आ जाता है, तो मेथी दाना बहुत बहुत गुणों वाला होता है जो कि हमें पता ही नहीं रहता कि हमारे किचन में पड़ा है, बट हमें नहीं पता हमें कैसे यूज़ करना है उसको। अब आपको इसको लेना कैसे वो मैं बता देती हूँ, आपको इसको दिन में 2 बार लेना है, ठीक है, आपको 2 मील्स यानी कि लंच एंड डिनर के मील करने से आपको 30 मिनट्स पहले, 30 मिनट्स पहले आपको ये एक बड़ा सा ग्लास बॉईल करना है जैसे बताया वैसे ही एंड देन इसको पी लेना है, गरम गरम ही पीना है, ज़्यादा गरम नहीं, ल्यूक वार्म आपको सिप सिप करके इसको पी लेना है, ठीक है, सीसे एक ग्लास में ही पियेंगे आप। एंड जो इंग्रेडिएंट बच गया है उसको आपको फेंकना नहीं है, क्योंकि आपको दिन में 2 बार बनाने हैं, एक लंच के टाइम और एक डिनर के टाइम, तो आप उसी को ही सेम इसको बॉईल कर लेंगे एंड उसी को ही पी लेंगे, तो आपको कुछ वेस्ट भी नहीं होने वाला है, एक पूरे दिन का 1 टेबलस्पून से बन जाएगा, यानी कि यहाँ पे कुछ भी आपके दादे कुछ खर्च भी नहीं हो रहे हैं। अब मैं बताती हूँ कि आपको लेना कैसे है, क्योंकि यहाँ पे अब आपको क्या लेना है, ये है हाजमोले के डब्बे, आप सबके घर में हाजमोले तो प्रेजेंट रहते होंगे और आपको पता है कि हाजमोला कितना इंस्टेंटली इफेक्ट करता है। बचपन में हम हाजमोले को मज़े के लिए खा रहे होते हैं कि मज़ा आता है तो इसलिए खा रहे होते, टेस्ट अच्छा लग रहा होता है इसलिए खा रहे होते हैं, तो आज मैं आपको बताती हूँ हाजमोला सच में डाइजेशन को इंस्टेंट डाइजेस्ट करवाता है, कुछ भी खाते हैं हम गैस वगैरह से रिलीफ
करवाता है। सो, अगर आपके पास हजमोला नहीं भी है तो आप अनारदाना ले सकते हैं, 2 अनारदाना आप ले लो, ठीक है। और ये मैंने जो हजमोला लिया वो अनारदाना फ्लेवर का ही है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, खाना खाने से आधा घंटा पहले आपने यहाँ पर 2 टैबलेट अगर आपके पास हजमोला प्रेजेंट है तो आप वो भी ले लें, ठीक है। 2 टैबलेट हाजमोला ऐसे ले ले। एंड आपको क्या करना है, ये मेथी दाना वाला पानी लेना है, हाजमोला आपको अपने मुंह पे रखने हैं ऐसे, एंड देन ये पी लेना है। सो गाइस, इस तरह से आपको अपना पूरा ग्लास ये फिनिश कर देना है। अब बात आती है कि अगर आपके घर में अभी हाजमोला अवेलेबल नहीं है, कोई भी टेंशन की बात नहीं है, ये एक्स्ट्रा एडिटिव ही था। अगर आपके पास है तो बहुत अच्छा है, आप उसको खा के पी सकते हैं, ये आपके डाइजेशन को और भी ज़्यादा बूस्ट कर देगा। बट अगर नहीं है तो ये 2 इंग्रेडिएंट काफ़ी हैं आपके डाइजेशन को बूस्ट करने के लिए, क्योंकि एक अकेला अजवाइन ही होता है जो आपके भयंकर से भयंकर स्टमक पेन को और गैस को, एसिडिटी को रिलीव कराता है। तो यहाँ पे 2 इंग्रेडिएंट है, तो बिल्कुल टेंशन लेना है हाजमोला नहीं है तो, ठीक है। तो गाइज, ये था आज का वीडियो, टू इम्प्रूव योर मेटाबोलिज्म, टू इम्प्रूव योर डाइजेशन, पाइल्स की प्रॉब्लम सॉल्व करने के, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, एंड कोई भी इश्यूज आपके स्टमक एंड इंटेस्टाइन से रिलेटेड उसको सॉल्व करने के लिए ये ड्रिंक बहुत बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इसको कौन ले सकता है, आप हर एज ग्रुप का इंसान इसको ले सकता है, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। टीनेजर से लेके आप एडल्ट कोई भी इसको ले सकता है, एंड दिन में इसको 2 बार लेने से बताया है। सो गाइज, आई होप आप लोग को ये ड्रिंक वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल लगा होगा, क्योंकि इस एक ड्रिंक से, इस 2 इंग्रेडिएंट से आपके लाखों बीमारी दूर होने की क्षमता है इस एक ड्रिंक में। इसको आप ज़रूर से अपने डेली लाइफ में ऐड कर ले, एंड इसके रिजल्ट को ज़रूर उससे ज़रूर शेयर करना, क्योंकि आपका वेट लूज़ फॉर श्योर इससे होने वाला है, मेटाबॉलिज्म इससे ज़रूर बूस्ट होने वाला है। गर्मी सा फील होगा क्योंकि आप गर्म पी रहे हो, तो आपको गर्म गर्म फील होगा, एंड पसीने भी आएंगे, नॉर्मल है वो आना, एंड उसके बाद आपको थोड़ी देर बाद ही आपको फ्रेशन अप होने का मन करेगा, आप वॉशरूम जाएंगे, यूरिन आपको बहुत आएगा आपको, तो वो सब नॉर्मल है, वो सब आपके बॉडी से टॉक्सिन रिलीज होने के लिए ही होते हैं। तो आपके बॉडी से टॉक्सिन रिलीज होने का काम ही करता है मेथी दाना, तो वही होगा और आपके बॉडी से सारे टॉक्सिन फ्लश आउट हो जाएंगे, और आपका वेट लूज एंड आपका फैट लूज बहुत बहुत स्पीडली होगा, एंड आपका मेटाबॉलिज्म बहुत जल्दी बूस्ट अप हो जाएगा। अगर आप इस ड्रिंक को ट्राई करने वाले हो, देन कमेंट सेक्शन में #StayFitWithKanchana लिखना मत भूलना, एंड #KanchanRaiDrink भी लिखना मत भूलना। आपको इस ड्रिंक को, इस वीडियो को अपने तक सीमित नहीं रखना है, आपको इसको शेयर करना है, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग गाइज। अपने रिलेटिव, अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को ज़रूर से शेयर करें, एंड इस वीडियो को ज़रूर से लाइक करें, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा और भी अच्छे अच्छे कंटेंट लाने को। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड इस वीडियो को शेयर ज़रूर से कर देना, और मुझे मेरे इंस्टाग्राम में फॉलो करना मत भूलना, मेरे इंस्टाग्राम हैंडल KanchanRai-1। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो, मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी, बाय बाय।